हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक भोपाल के मुख्य सुर्खियों का विश्लेषण। शुरुआत करते हैं फ्रंट पेज की खबर से। आईसीआईसीआई बैंक सैक्स, चंगा कोचर। आईसीआईसीआई बैंक ने यह निर्णय लिया है कि वो अपने पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चंगा कोचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर देंगे। जब बीएन श्री कृष्णा पैनल ने यह पाया कि चंदा कोचर ने बैंक के कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता कोड का उल्लंघन किया है। साथ ही साथ बैंक ने ये भी कहा है कि जितने भी बोनसेस उन्हें 2009 से लेकर 2019 के बीच दिए गए थे वो फिर से ले लिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पूर्व आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर ने कहा है कि वे बैंक के इस निर्णय से पूरी तरह से निराश, हैरान और दुखी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये बात फिर से दोहराना चाहूंगी कि कोई भी क्रेडिट डिसीजन, कोई भी क्रेडिट से संबंधित निर्णय जो बैंक में लिए जाते हैं वो एक पक्षीय नहीं होते हैं। हमारी अगली खबर है मिनिस्ट्रीज फ्लाउटिंग नॉर्म्स सेज इलेक्शन कमीशन। लोकसभा इलेक्शन से पहले निर्णयों पर मंजूरी चाहते वक्त प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर इलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय मंत्रालय को फटकार दी है। इलेक्शन कमीशन ने कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा को एक लेटर लिखा जिसमें ये जाहिर किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को जो विशिष्ट निर्णयों के लिए नो ऑब्जेक्शन देने की रिक्वेस्ट मिलती है उन्हें बिना किसी विचार किए रिटर्न कर दिया जाएगा अगर मंत्रालय, जो भी संबंधित मंत्रालय है, अपने संचार के वक्त इलेक्शन कमीशन से प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं तो उनका रिक्वेस्ट, उनका अनुरोध उन्हें फिर से रिटर्न कर दिया जाएगा, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं पेज 7 की तरफ। सेंटर हाइक्स स्कॉलरशिप्स। केंद्र ने अपनी लोकप्रिय रिसर्च स्कॉलरशिप जिसका नाम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप को 25,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपए पर मंथ कर दी है, लगभग 25% की बढ़ोतरी। महीनों से देश भर के रिसर्च स्कॉलर्स संगठित विरोध कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए क्योंकि 2014 से उसे रिवाइज नहीं किया गया है। आइए देखें पिछले कुछ सालों में सरकार ने स्कॉलरशिप्स में क्या क्या बढ़ोतरी की है। सन 2010 में जूनियर रिसर्च फेलोशिप की राशि थी 16,000 रुपए, जिसे 2014 में बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया और अब 2019 में उसे बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया है। अगली है SRF, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। 2010 में ये राशि थी 18,000 रुपए, जिसे 2014 में बढ़ाकर 28,000 कर दिया गया था और अब 2019 में ये राशि है 35,000 रुपए। RA1, रिसर्च असिस्टेंट 1। 2010 में इसकी राशि थी 22,000 रुपए, जिसे 2014 में बढ़ा के 36,000 किया गया था और अब 2019 में यह राशि है 47,000 रुपए। RA2, रिसर्च असिस्टेंट 2, 2010 में इसकी राशि थी 23,000 रुपए, जो 2014 में बढ़कर 38,000 रुपए हो गई थी और अब 2019 में ये राशि है 49,000 रुपए। RA3, रिसर्च असिस्टेंट 3, 2010 में ये राशि थी 24,000 रुपए, जिसे बढ़ाकर 2014 में 40,000 कर दिया गया था और अब 2019 में ये राशि है 54,000 रुपए। अगली खबर है स्टडी सेज काव यूरिन मे बी एडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। एक स्टडी, एक अध्ययन जो कि कोलंबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, निकारागुआ, ट्रिनिडेड और टोबैको में किया गया, उसके अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में गौमूत्र का योगदान भी हो सकता है। गौमूत्र नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस का एक स्रोत है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जब ये गौमूत्र खराब चारागाह, डिग्रेडेड पैस्चर्स में यूज किए जाते हैं कि भारत में भी कई भूमि पर देखा जा सकता है। इसकी वजह से N2O नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन 3 गुना बढ़ जाते हैं।
खाद से अमोनिया एमिशन के लिए पशु और भैंसे सबसे बड़े योगदान करता रहे हैं। पशुओं के लिए यह आंकड़ा है 56.1% और वही भैंसों के लिए आंकड़ा है 23.6%। नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन में कैटल का यानी गोधन या पशु कह ले उनका योगदान सबसे ज्यादा है, 42.3% उनका अनुपात है। इनके बाद आते हैं भैंसे 28.1%, फिर बकरे 15.5%, भेड़ 9.5% और दूसरे जानवर 4.6%। अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो अमोनिया के उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है 12.7%, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश 8.7%, फिर वेस्ट बंगाल 8.4%। और अगर उन राज्यों की तरफ नजर डाली जाए जो कि टॉप के नाइट्रस ऑक्साइड एमिटिंग स्टेट्स है, जो नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उनमें आते हैं सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश 13.1% के साथ, फिर मध्य प्रदेश 8% के साथ और महाराष्ट्र 7.5% के साथ। अगली खबर है स्टेट्स मे हैव टू फंड फॉर मनरेगा वेजेस। मनरेगा के अंतर्गत कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राज्यों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसके कारण इसके लिए हाल ही में केंद्र ने राज्यों को इसके लिए अतिरिक्त फंड दिए थे, अतिरिक्त रकम दी थी, लेकिन ये रकम शायद बचे हुए वित्त वर्ष के लिए पर्याप्त नहीं होगी। हो सकता है कि अगले 2 महीनों के लिए राज्य को अपने फंड्स में से कर्मचारियों को वेतन देना पड़े। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट बिगिंस ऑटोमेटिक लिस्टिंग ऑफ फ्रेश केसेस। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 3 से 7 दिन के अंदर ताजा मामलों की स्वचालित सूची ऑटोमेटिक लिस्टिंग ऑफ फ्रेश केसेस की एक नया सिस्टम, नई प्रणाली लॉन्च की है, ताकि हर दिन अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मामलों को मेंशन करने का सिस्टम हटाया जा सके। 23 जनवरी को भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है जिससे कि याचिका को मेंशन करने की प्रक्रिया खत्म की जा सके और ताजा मामलों की स्वचालित सूची ऑटोमेटिक लिस्टिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि फाइल करने के बाद उन्हें जल्द से जल्द सुना जा सके। अगली खबर है लैंड एक्विजिशन सेंटर सीक्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई केंद्र की मौखिक अनुरोध पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, ताकि लैंड एक्विजिशन एक्ट के संशोधन से संबंधित मामलों को शीघ्र ही निपटाया जा सके। पिछले साल कोर्ट ने तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड को अपने राज्यों के लैंड एक्विजिशन लॉस, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए नोटिस इशू किया था। ये कानून इस हद तक संशोधित किए गए थे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज एक्सेट्रा के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले किसानों और भूमि स्वामियों की मंजूरी या उनकी सहमति जरूरी नहीं है। आते हैं पेज 11 की खबर पे। S-400D अप्रूव ऑफ इंडिया रशिया टाइप्स। भारत में रशिया के एम्बेसडर निकोले आर कुदाशेव का कहना है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि भारत रशिया से प्राप्त करने जा रहा है, अधिग्रहण करने जा रहा है, ये एक बहु अरब डॉलर का सौदा है। इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर डील। ये इन 2 देशों के बीच साझेदारी की विशेष प्रकृति का एक प्रमाण है। अगली खबर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हैज रिलीज्ड इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 के लिए रिलीज कर दिया है। इस रिपोर्ट में 180 देशों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार के स्तर को देखते हुए रैंक दिया गया है। जितना ऊंचा आपका रैंक है उतना
कम भ्रष्टाचार आपके देश में है। जो टॉप 5 देश है वो है डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर और स्वीडन। इन 5 देशों में भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम है। अगर 2018 के स्कोर देखे जाए तो डेनमार्क का स्कोर है 88, न्यूजीलैंड का 87, फिनलैंड का 85, सिंगापुर का 85 और स्वीडन का 85। वहीं अगर हम भारत का स्कोर देखें तो वो इन देशों के मुकाबले बहुत कम है, जो कि है 41। लेकिन भारत ने 2012 से काफी प्रोग्रेस की है। 36 पॉइंट से 41 पॉइंट तक का सफर 2012 से 2018 तक। और अगर हमारे पड़ोसी देशों के आंकड़े देखे जाए तो पाकिस्तान के लिए यह है 33, श्रीलंका 38, नेपाल 31, भूटान 68, बांग्लादेश 26, मालदीव 31 और अफगानिस्तान 16। इसी के साथ हमारा आज का मुख्य सुर्खियों का विश्लेषण यही समाप्त होता है।